मोटो G54 सेल सीजन में अराउंड 13,000 वरना 15,000, बट इसी प्राइस रेंज में सैमसंग M34, वीवो T2, Realme 11X, Narzo 60X, Infinix Note 35G, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पिछले एक महीने से मोटो G54 को यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज माई लॉन्ग टर्म फुल रिव्यू ऑफ मोटो G54। क्लियर कट वे में इसका प्रोस कॉन्स, किन को खरीदना चाहिए एंड ऑफकोर्स क्या ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाता है। एंडिंग मिस मत करना, शुरू करते हैं। ओके, डिस्प्ले, ये एक प्रो भी है कॉन भी है। प्रो उनके लिए जो आजकल का ट्रेंडिंग रेड एंड ग्रीन लाइन से दूर रहना चाहते हैं, कौन उनके लिए जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या मीडिया कंसेप्शन के वक्त डीप इंकी ब्लैक्स चाहते हैं। सच बताऊं तो सिर्फ ये दो चीज़ें ही मिस करोगे आप इस 6.5 इंच FHD प्लस 120 हर्ट्ज़ LCD डिस्प्ले में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता पावर कंजप्शन के वजह से, बट उसके जगह पे मोटोरोला पीक डिस्प्ले मिलता है जो मुझे ज़्यादा यूजफुल लगता है। ऑनेस्टली मोटोरोला ने पीक डिस्प्ले के फीचर्स को थोड़ा डाउनग्रेड किया है एंड्रॉयड 13 में, बट स्टिल बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इम्प्लीमेंटेशंस के कंपैरिजन में ज़्यादा फंक्शनल लगा। अनलॉक किए बिना पूरे मैसेजेस पढ़ना, रिप्लाई करना, अलग अलग ऐप्स के नोटिफिकेशंस को इंडिविजुअली पढ़ना सब पॉसिबल है। सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले कलर प्रेफरेंस चूज करने का। सैचुरेटेड मोड सेलेक्ट करने के बाद 99% AMOLED जैसा पंची सैचुरेटेड कलर्स मिलेगा आपको। मैं पर्सनली नेचुरल मोड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि कलर्स ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं एंड LCD डिस्प्ले का स्ट्रेंथ यानी कलर एक्यूरेसी को पूरा यूज़ करना पसंद करता हूँ, बट मेजॉरिटी ऑडियंस को इसका सैचुरेटेड मोड ही ज़्यादा पसंद आएगा। ओवरऑल ब्राइट डिस्प्ले है, 560 निट्स का पीक ब्राइटनेस, यानी आउटडोर्स या इंडोर ब्राइट लाइटनिंग कंडीशंस में भी डिस्प्ले क्लियरली विजिबल है। ऑटो ब्राइटनेस सेंसर एक्यूरेटली काम करता है, आपको डिफरेंट लाइटनिंग सिनेरियोस में खुद एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे यूसेज में मैंने रेगुलरली मूवीज, यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखा एंड एक्सपीरियंस वॉज फर्स्ट क्लास। व्यूइंग एंगल्स ऑन पॉइंट है एंड एक्सट्रीम एंगल्स में भी परफेक्टली ऑल राइट, नो टिंट इश्यूज व्हाटसोएवर। HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ डॉल्बी एटमोस सपोर्टेड स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, यानी बॉटम स्पीकर एंड ईयरपीस कॉम्बो। इसके लिए डेडिकेटेड एप्लीकेशन मिल जाता है डॉल्बी एटमोस नाम से एंड आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। द स्पीकर इज सुपर लाउड, 90% वॉल्यूम तक क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद क्या होता है वो आप जानते ही होंगे, बट हाँ बैक वाइब्रेट करता है स्पेशली 100% वॉल्यूम पे, लाइक एवरी अदर बजट प्लास्टिक बैक स्मार्टफोन विद स्टीरियो स्पीकर्स। वैसे गेमिंग के टाइम ये जो वाइब्रेशन भी अच्छा लगता है। ऑफकोर्स 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है एंड ब्लूटूथ 5.3 कनेक्शन इज स्टेबल एंड फास्ट, सो आपका मीडिया कंसेप्शन नीड्स सॉर्टेड। इसका चिन थोड़ा सा कम हो सकता था, देखो इस प्राइस रेंज में सभी फोन्स इतने ही बड़े चिन के साथ आता है, बट मोटोरोला ने खुद इसके प्रेडेसेसर यानी मोटो G52 में फ्लैगशिप लेवल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया था। इतना था कि मैंने अपने चैनल पर रिव्यू कर रखा है और तारीफ भी किया था, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर, बट अगेन वो AMOLED ये LCD, सो टेक्निकली नॉट पॉसिबल। थैंकफुली बिल्ड क्वालिटी को अभी भी बिल्ट लाइक ए टैंक बता सकते हैं। 6000mAh बैटरी के वजह से वेट 192 grams है एंड ऑनेस्टली फील भी होता है, बट वेट मैनेजमेंट बढ़िया किया है, प्लस 6.5 इंच डिस्प्ले के वजह से कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट लगता है। ऑफ कोर्स कर्व्ड बैक होने के कारण इट फील्स नाइस इन हैंड्स एंड मैट फिनिश यानी स्क्रैचेस कम से कम देखने को मिलेगा, प्लस ज्यादा प्रीमियम फील होता है। इट्स स्टिल स्लिपरी एंड क्योंकि 192 ग्राम्स का है, हाथ से आसानी से फिसल जाता है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन अ गुड केस एंड टेम्पर्ड ग्लास। डरो मत, वीडियो का कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप लोग ही हो, बट अच्छे खासे केसेस एंड टेम्पर्ड ग्लास का लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना इस वीडियो के बाद। वॉल्यूम बटन टैक्टाइल है, क्लिकी एंड फ्रेम्स एज एक्सपेक्टेड प्लास्टिक का मिलता है, बट शॉकिंगली कैमरा मॉड्यूल मेटल का है, सो प्रीमियम टच। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बिल्ट लाइक ए टैंक एंड वेस लाइक ए टैंक, बट एक चीज टैंक की तरह नहीं है, टैंक की तरह स्लो नहीं है। परफॉर्मेंस इट इज सुपर डुपर फास्ट एंड ये कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, फैक्ट बता रहा हूँ। 14-15,000 रुपीस में मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7020, अभी तक डे टू डे यूसेज में एक भी लैग नोटिस नहीं किया मैंने एंड मैं फॉर्मेलिटी के लिए बेंचमार्क एप्लीकेशन रन करके टेस्ट नहीं करता हूँ, फोन को कम्प्लीटली सेट करके सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करके डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ। ऐप ओपनिंग फास्ट है, एनिमेशंस आर सुपर क्लीन एंड रैम मैनेजमेंट इज ऑन पॉइंट। 8GB रैम इज मोर देन एनफ, मोर देन सफिशियंट। यस, बेस वेरियंट में भी 8GB रैम मिलता है एंड शो ऑफ के लिए यूजलेस रैम बूस्ट मोड भी मिलता है। इन शॉर्ट इस प्राइस रेंज में इससे बेटर प्रोसेसर या परफॉर्मेंस ओवरऑल नहीं मिलेगा। अगर आप एक बजट फोन से इसमें अपग्रेड कर रहे हो देन सेटअप वगैरह करने के बाद सोचोगे कि 13-14,000 में लिया मैंने या फिर महंगा फोन है। ऑफकोर्स कुछ गेम्स भी मैंने ट्राई किया था जैसे कि एसफॉल्ट 9, क्रिटिकल स्ट्राइक, टेनिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यहाँ पे हमें इसका आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट गेमिंग एंड हीटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, MediaTek Dimensity 7020 इज अ केपेबल प्रोसेसर, सो गेमिंग इज सुपर स्मूथ, स्टटर या फ्रेम ड्रॉप्स ना के बराबर देखने को मिलेगा इवन इन हाई एंड गेम्स। डेडिकेटेड गेम मोड मिल जाता है विद फीचर्स लाइक
कॉल एंड नोटिफिकेशन ब्लॉक, बिना गेम पॉज के ब्राइटनेस चेंज करना, लेटेंसी चेक करने का ऑप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हार्ड कोर गेमर्स को ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस होने के बाद भी 45-50 मिनट्स के बाद हीटिंग एंड अराउंड 1 hour 20 मिनट्स के बाद अनकंफर्टेबली हॉट। एक और मोस्ट कमेंटेड क्वेश्चन, क्या फोन डे टू डे यूसेज में हीट करता है, स्पेशली आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट? आंसर इज नो। अभी तक एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है अराउंड 500 MB, उसके बाद भी लॉन्ग वीडियो कॉल्स स्पेशली 1 hour 1.5 hours ड्यूरेशन के टाइम हीट करता है, स्पेशली अगर आप हाथ से पकड़ोगे देन इट विल बी अनकंफर्टेबल। उसके अलावा सब सॉफ्ट, याद रखना हमारे यहाँ फोन आते ही 3 से 4 दिन में फुल रिव्यू अपलोड करने के चक्कर में फोन को सेटअप करते वक्त या फिर फोन के स्टार्टिंग 3-4 दिन जब बैकग्राउंड प्रोसेसर्स बहुत चलते हैं, इवन व्हेन द फोन इज नॉट इन यूज, उस टाइम के हीट को नोट करके सेंसेशनलाइज करके बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं बता रहा हूँ। फोन को 2 महीने अच्छे से यूज करने के बाद आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट का सिचुएशन बता रहा हूँ। एंड ये एक फ्लिपकार्ट यूनिट है, मैंने पर्सनली खरीदा है चैनल पे वीडियोस बनाने के लिए। एंड अनलेस अंटिल आप 30-40 मिनट्स कंटिन्यूसली आउटडोर्स वीडियोस बनाने वाले हो, या फिर हाथ में पकड़े हुए 1 hour या 1.5 hours वीडियो कॉल डेली करने वाले हो, किसी और को दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस का बहुत तारीफ कर रहा था ना, उसका मेजर रीजन इसका क्लीन एड फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी है। स्टॉक एंड्रॉयड प्लस हल्का फुल्का मॉडिफिकेशंस बाय मोटोरोला, मोटो इसे माई UX बुलाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 13। सेटअप करते वक्त ही इसका सिंपल क्लीन नेचर का आइडिया लग जाएगा आपको, बस याद से इस ऑप्शन को डिसेबल कर लेना एंड दैट्स इट। ब्लॉटवेयर्स के नाम पे सिर्फ फेसबुक एंड लिंक्डइन, ग्लैंस ऐप या खुद का थर्ड क्लास ऐप स्टोर, ऐसा कुछ भी नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। क्लीन एंड टू द पॉइंट, एंड फर्स्ट बूट के बाद 8 GB में से 5.5 GB रैम फ्री टू यूज मिलता है। इस प्राइस रेंज में क्लीन एड फ्री ब्लॉटवेयर फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कोई और कंपनी नहीं देगा। सेफ्टी एंड प्राइवेसी भी थैंक्स टू मोटोरोला थिंकशील्ड हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन। फीचर रिच नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बोरिंग सॉफ्टवेयर है। तरह तरह के कूल क्लॉक एंड वेदर विजेट्स जो कि आप स्क्रॉल करके होम स्क्रीन पे लगा सकते हो। मोटो एप्लीकेशन इनबिल्ट आता है, जरूर एक्सप्लोर करना, सुपर यूजफुल। गेस्चर्स जैसे कि फ्लैश कैमरा एक्सेट्रा, अटेंटिव डिस्प्ले, रियलमी फोन्स जैसे साइड बार, सब कुछ मिल जाता है। नोटिफिकेशन बार से कैमरा एंड माइक डिसेबल कर सकते हो प्राइवेसी के लिए, इतना तक कि नोटिफिकेशन बार से ही जिफ बना सकते हो मीम्स के लिए। कूल होम स्क्रीन एनिमेशन सेटिंग्स, लाइव वॉलपेपर्स इनबिल्ट फ्रॉम मोटोरोला इटसेल्फ, रिफ्रेश रेट के लिए ऑटो ऑप्शन, पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस में थीम्स फॉन्ट UI कलर्स आइकन शेप्स लेआउट टेक्स्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट जरूरी फीचर्स के अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है माई UX में। अब कैमरास, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन इस प्राइस रेंज में, मोटो G54 का डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू विद कैमरा एंड वीडियो सैंपल्स इन ऑल लाइटनिंग कंडीशंस एंड GCam कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 50+8 megapixel का डुअल कैमरा सेटअप, मेन कैमरा का कलर्स इस बार मोटोरोला जैसा न्यूट्रल कलर साइंस कम एंड रियलमी ओप्पो वीवो जैसे ब्राइट पंची सैचुरेटेड कलर्स ज्यादा लगता है, स्पेशली अगर आप कैमरा एप्लीकेशन में ऑटो एनहांस मोड इनेबल कर दोगे तो। इमेजेस आर शार्प, जूम करने पे सफिशियंट डिटेल्स है एंड डायनेमिक रेंज इज ऑन पॉइंट, इन शॉर्ट सोशल मीडिया रेडी इमेजेस बता सकते हैं। थोड़ा कंसिस्टेंसी इशू था स्टार्टिंग में, बट अपडेट्स सॉल्व्ड इट। अपडेट के बाद भी 50 मेगापिक्सल मोड ज्यादा खास नहीं लगता, नॉर्मल मोड से थोड़ा बेटर डिटेल्स मिलता है, बट डेफिनेटली बेटर हो सकता था। अल्ट्रा वाइड इज सुपर वाइड, यहाँ पहले डायनेमिक रेंज इशू था ट्रिकी लाइटनिंग सिचुएशंस में, बट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। ऑफ कोर्स अल्ट्रा वाइड में ऑटो फोकस है, सो मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो। सेल्फी में ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है एंड ब्यूटिफाई ऑफ करने के बाद भी ब्यूटिफाई करता है। इन शॉर्ट मोटोरोला अभी मेजॉरिटी ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है उनके पसंदीदा सैचुरेटेड पंची कलर साइंस देकर। एंड फनीली मेरे को इसका सेल्फी कैमरा ज़्यादा बढ़िया लगा मोटो H40 नियो के सेल्फी कैमरा से कुछ कंडीशंस में, और इसमें 32 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है। अभी कोई तारीफ नहीं है मोटोरोला का, कम ऑन मोटोरोला, महंगा फ़ोन है, सेल्फीज इंप्रूव करो इसका। वीडियोग्राफी स्लाइटली अबव एवरेज, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन एक्चुअली काम करता है 1080p 30fps पे, 1080p 60fps पे। फोकस हंटिंग काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गया आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट, याद है इसके बारे में मैंने अपने कैमरा रिव्यू पे बहुत कंप्लेन किया था। 6000 mAh बैटरी, मेरे को 7.5 hour प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम डेली इजीली मिला हेवी यूसेज पे, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट याद से करना। आइडल ड्रेन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है 5G पे, स्पेशली अगर आप 5G नेट ऑन करके सोओगे देन आपको 6000 mAh बैटरी कम और 5500 mAh बैटरी ज़्यादा लग सकता है,
बाकी रेगुलर यूजर्स के लिए इजीली 1.5 days का यूसेज आराम से। और ये जरूरी भी है इतना अच्छा बैटरी लाइफ क्योंकि चार्ज करने के लिए यूजिंग द 33 watt चार्जर गिवन इन द बॉक्स 1 hour 25 to 1 hour 35 minutes इजीली लगाता है। समर्स में इससे भी थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चार्जिंग थोड़ा ज्यादा करना है जल्दी देन ऑप्टिमाइज चार्जिंग डिसेबल कर देना। ओवरचार्जिंग प्रोटेक्शन जैसा फीचर्स आर एन एडेड बोनस। बाकी चीजों के बारे में बात करें तो कॉल क्वालिटी फर्स्ट क्लास, ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग सब मिल जाता है। प्रेफर्ड नेटवर्क में 5G इनेबल कर लेना। माइक क्वालिटी इज लाउड एंड क्लियर, बैकग्राउंड नॉइस को अच्छे से सप्रेस कर लेता है। एंड ऑफकोर्स गूगल डायलर मिलता है तो सामने वाले को इन्फॉर्म करेगा कॉल रिकॉर्डिंग करते वक्त, बट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सिर्फ एक बीप साउंड सुनाई देगा। आप सेटिंग्स में इसे इनेबल कर सकते हो। नो आंटी स्पीच। 14 5G बैंड सपोर्ट करता है सो नेटवर्क वाइज नो इश्यूज। वाईफाई एंड मोबाइल डेटा दोनों का स्पीड कवरेज वॉज ऑन पार विद एवरी फोन इन दिस सेगमेंट। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इज फास्ट एंड एक्यूरेट एंड थम्स वहीं पे नेचुरली रेस्ट करता है सो फोन उठाते वक्त अपने आप अनलॉक हो जाएगा। IP52 वाटर रेसिस्टेंस एंड सिम पोर्ट में रबर कैस्केट यानी हल्का फुल्का बारिश में फोन यूज कर सकते हो। हैप्टिक्स यानी वाइब्रेशन चीप पुअर प्रिसाइज नहीं है, वो मजा नहीं आता। ऑल्सो सिर्फ एंड्रॉइड 14 में अपग्रेड यानी 1 version, मैंने एटलीस्ट 2 version एक्सपेक्ट किया था। सो फाइनल क्या मैं मोटो G54 को रिकमेंड करूंगा? डेफिनेटली यस, होल हार्टेडली। कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर लेते हैं। सैमसंग M34 पेरेंट्स को गिफ्ट करना है देन मे बी, बट अगर वो थोड़ा हैवी यूजर है देन स्किप इट कम्प्लीटली। वीवो T2 सेल्फी ओरिएंटेड लोगों के लिए, क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस को चाहिए सेल्फीज में वो ये नहीं देगा, वो देगा इससे ज़्यादा। प्लस इसका UI ना काफ़ी बोरिंग, प्लेन, सिंपल। इनिशियली आपको काफ़ी ऐसा लगेगा यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ मिस नहीं कर रहे हो मतलब लुक वाइज, वो आपको वीवो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वो सब ज़्यादा प्रायोरिटी है गो फॉर वीवो T2। स्नैपड्रैगन 695 इज केपेबल और इस प्राइस रेंज में सही भी है, इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा है वो अलग बात है। इन्फिनिक्स नोट 35G इज अ स्पेसिफिकेशन मॉन्स्टर और अगर आपके घर के आसपास इन्फिनिक्स का सर्विस सेंटर है, आप हल्का फुल्का रिस्क लेना चाहते हो लाइफ में देन गो फॉर इट। स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आएगा उसका डिज़ाइन, यूजर इंटरफेस, उसके एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह। रियलमी 11X एंड नार्जो 60X आर एसेंशियली द सेम स्मार्टफोन, डिफरेंट पैकेजिंग, ब्रांडिंग, नेमिंग वो सब आपको पता है क्योंकि एक को फ्लिपकार्ट में बेचना है, एक को अमेजोन में बेचना है। बट अगेन रियलमी का नार्जो 60X इज मोर वैल्यू फॉर मनी। ऑलमोस्ट 2000 रुपये का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बट इट्स जैसे मैंने कहा सेम फोन, 50 megapixel वर्सेज 60 megapixel कैमरा का डिफरेंस विच इज नेग्लिजिबल। सो अगर आपको रियलमी नार्जो 60X 11500 में मिल रहा है और ये 14000 में मिल रहा है देन गो फॉर इट। अगर आपको हल्का फुल्का एड्स के साथ और ओके विद इट देन गो फॉर इट। मोटो G54 जैसे मैंने कहा इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन, कोई भी यूज़ कर सकता है। पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, आपको यूज़ करना है, आपके बहन को देना है, मे बी उसका सेल्फीज ज़्यादा पसंद आए, बट उसके अलावा इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन, क्लीन ऑप्शन, एड्स नहीं, ब्लॉटवेयर्स नहीं, परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास। जितने भी नाम मैंने अभी लिया उसमें से सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसके वजह से डे टू डे यूसेज में हल्का फुल्का लैग भी नोटिस नहीं करोगे। अगर आप वीडियो कॉल ज़्यादा करते हो 2-2 घंटे देन स्किप दिस फोन। अगर आप आउटडोर्स में 1-1 घंटे वीडियोग्राफी करना चाहते हो सनलाइट में देन स्किप दिस फोन। बट उसके अलावा सभी के लिए दिस इज एन ऑलराउंडर स्मार्टफोन जो मैं होल हार्टेडली रिकमेंड कर सकता हूँ। और याद रखना इनिशियली 3-4 दिन हीटिंग हल्का सा आइडल ड्रेन पे भी देखने को मिलेगा, बट उसके बाद एक बार फोन सेट हो जाए थिंग्स शुड गेट बैक टू नॉर्मल। एनीवे इस वीडियो को इतना ही। मोटो G54 का फुल रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू, बहुत टाइम के बाद बनाया मैंने, एंड H40 Neo का फुल रिव्यू पे भी काम चल रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक बटन के नीचे सब्सक्राइब बटन भी मिलेगा, कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।